मैं किसी के बीच में बोलता नहीं और कोई बोलेगा नहीं, ऐसा अपेक्षा रखता हूँ। कुछ परिवार तो कई कई पुश्तों तक अपने घर से बाहर ही नहीं निकले, रायबरेली और अमेठी से बाहर ही नहीं निकले, तब निकले जब उनको हार का डर था और हार भी गए वहां से। कई कई पुश्तें हो गई, घर से बाहर ही नहीं निकले। योगी जी पर प्रश्न चिन्ह लगाने वालों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है, अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, इसलिए इस बहस में पढ़ना ना पढ़ना बिल्कुल ना बिल्कुल बेकार है। वास्तविकता यह है कि जो लोग कहते हैं कि विकास के मुद्दे पर इलेक्शन लड़ेंगे, वो पूरी तरह से जातीय समीकरण को साधने में लग जाते हैं। कोई बात नहीं कर रहा, आज आप पिछले एक हफ्ते से 10 दिन से आपने कहीं भी मेडिकल कॉलेज, एक्सप्रेसवे, इनकी बात सुनी है क्या? कभी कहा कि हमने बनवाया था? अब वो अखिलेश यादव ने वो क्रेडिट लेना भी बंद कर दिया क्योंकि लोगों को मालूम था कि ये क्रेडिट उनका है नहीं। वास्तव में सर्वे हुआ आपका, उसमें भी मालूम चला कि अखिलेश यादव ने विकास का कोई काम नहीं किया था, छोड़ दिया उन्होंने। तो योगी आदित्यनाथ जहां से वो 5 बार सांसद रह चुके हैं और उससे पहले महंत अवैधनाथ वहां से सांसद रह चुके हैं, अगर योगी आदित्यनाथ वहां से चुनाव लड़ने का फैसला स्वयं नहीं पार्टी करती है, उन्होंने स्वयं फैसला नहीं किया, पार्टी अगर ये फैसला करती है, निर्णय करती है, तो पार्टी को, पार्टी के निर्णय को दरकिनार करके वो ये कहें कि मैं मथुरा या अयोध्या से चुनाव लड़ूंगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता, ऐसा कहीं और होता होगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।